राफेल विमान डील पर घमासान और तेज हो गई है। राफेल की जंग दिलचस्प मोड़ पर है। राहुल बार बार वार कर रहे हैं और सरकार को बार बार जवाब देना पड़ रहा है। संसद में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने करीब 2.5 घंटे लंबा भाषण देकर मामले पर सफाई दी। There is a difference between defense dealings and dealing in defense. We don't do defense dealings. We deal with defense with national security as a priority. अपने भाषण में रक्षा मंत्री ने राफेल डील पर जवाब के दौरान कांग्रेस पर करारे वार किए। निर्मला सीतारमन ने कहा, कांग्रेस की विमान खरीदने की नीयत नहीं, हमने सबसे सस्ती डील की है। साथ ही सितंबर में राफेल का पहला दस्ता इंडिया पहुंचने का दावा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, कांग्रेस को HAL की फिक्र नहीं, अगर ऐसा था तो उन्होंने अगस्ता वाला सौदा उसके साथ क्यों नहीं किया। रक्षा मंत्री के जवाब से राहुल गांधी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा, जो मैंने सवाल पूछे थे उनका जवाब तो रक्षा मंत्री ने दिया ही नहीं। सवाल ये है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, किसने दिलवाया, और आपने 2 घंटे बात की मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय किसने लिया। चुनावी साल 2019 शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने राफेल का मुद्दा, तीन रक्षा मंत्री ने कितना, ढाई घंटा बोला, ढाई घंटा बोला, अनिल अंबानी जी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिले, नहीं आती मुझे। तो अनिल अंबानी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पार्ट मिला, वो अपने खड़गे जी दिखाइए जरा अपना कागज, उसमें लिखा है अनिल अंबानी जी का लिखा है, नहीं वो अनिल अंबानी वाला डबल ए वो उनका जो एनुअल रिपोर्ट था, ये वाला रिलायंस, इसमें लिखा है अनिल अंबानी जी ने लिखा कि लार्जेस्ट ऑफसेट की ऑफसेट पार्टनर विद डसॉल्ट वो 30,000 लार्जेस्ट ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, लाइफ साइकिल अपॉर्चुनिटी एस्टिमेटेड एट 1,00,000 करोड़ रुपीज वी हैव बीन गिवन एंड द डिफेंस मिनिस्टर डिड नॉट मेंशन इट। आपने उनका नाम तक नहीं लिया, आपने एक बार नहीं बोला अनिल अंबानी का, आपने नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। और मेन सवाल यह है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, किसने दिलवाया, और आपने 2 घंटे बात की मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय किसने लिया। बैठिए। हमारा सवाल था कॉन्ट्रैक्ट, जी आप बोलिए, दैट इज नॉट गोइंग ऑन। डिफेंस मिनिस्टर ने बोला और उन्होंने अपने भाषण में, अरे यार बैठो यार, मैडम प्लीज, अब ये तो डिफेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में क्लियरली बोला कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को बदल के नया कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया गया। और जब L1 की सवाल आया उन्होंने जवाब नहीं दिया, बट उन्होंने कहा था कि एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था और उसको बदला गया, नया कॉन्ट्रैक्ट लाया गया, नए कॉन्ट्रैक्ट में अनिल अंबानी को हटाया गया, HAL को हटाया गया, अनिल अंबानी को लाया गया। तो हमारा मेन पहला सवाल था, अनिल अंबानी को लाने का निर्णय किसने किया। होलैंड जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किया, हमने आपसे सवाल पूछा, आपने हमें जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल, L1 जो UPA के समय बिड हुई थी उसमें राफेल का दाम 560 करोड़ रुपए था, आपकी डील में 1,600 करोड़ रुपए हो गया। पहली बिड में RFP में बेयर एयरक्राफ्ट नहीं था, फुल कॉम्प्लीमेंट था, और ये यहाँ लिखा है, इन एडिशन टू वेपन्स लॉन्चर्स पाइलॉन्स वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड, द रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्चर्स इज कैबिनेटेड एंड बिलो। तो आपने ये जवाब नहीं दिया, ओके आपने ये जवाब नहीं दिया, ठीक है।
कि प्राइस कैसे बढ़ा। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल जो आपने बोला कि आप बोलते हैं, तीसरा सवाल कि नेबरहुड बहुत डेंजरस है, अगर नेबरहुड बहुत डेंजरस है तो आपने 126 से 36 कैसे कर दिया? अगर आपको सही दाम पे 36 मिल रहे थे तो 126 क्यों नहीं खरीदे? तो ये मेन सवाल थे। अब मेरा आखिरी आपसे सवाल है, दो मिनट में खत्म करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी ने इमरजेंसी के होने के कारण बाईपास सर्जरी की। उन्होंने कहा कि 126 वाली पुरानी डील को नरेंद्र मोदी ने बदला, कहा आपने कहा निर्मला जी। अब मेरा सवाल है, 8 साल की नेगोशिएशन, 10 साल की नेगोशिएशन चल रही थी, एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स कर रहे थे, एयरफोर्स के चीफ, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी सब इसमें इन्वॉल्व हुए, उनका सालों का काम था। तो मेरा सिंपल सा सवाल है और मैं ये रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे हाँ या ना का जवाब चाहता हूँ, यस और नो। एंड माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हेन दिस बाईपास सर्जरी वाज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर, डिड द हाईएस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट टू दिस बाईपास सर्जरी? या डिड दे आस्क द, डिड दे मेक ए स्टेटमेंट और डिड दे सजेस्ट टू द डिफेंस मिनिस्टर, टू एनीबॉडी एल्स, that the Prime Minister should not be bypassing the defense establishment? Yeah. Can you answer my question, Nirmala Sitharaman ji? Yeah. With a yes or a no? Thank you. रक्षा मंत्री का भाषण देखा, 2.5 घंटे का भाषण। भाषण के अंत में अलग अलग वो सवाल उठे, उनका जवाब नहीं दिया, प्राइस का जवाब नहीं दिया, 126 से 36 का जवाब नहीं दिया, अनिल अंबानी का नाम 2 घंटे के लिए नहीं लिया, ठीक है। मगर अंत में मैंने दो सवाल पूछे, मैंने जो सप्लीमेंट्री बात बोली उसमें मैंने दो बात बोली और एक मेन बात थी, और उसमें मैंने रक्षा मंत्री जी से कहा था इसके बारे में आप हाँ या ना का जवाब दो। और मेरा सवाल था, ये इतने लंबे नेगोशिएशन के बाद जिन लोगों ने ये नेगोशिएशन किया, एयरफोर्स चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, एयरफोर्स के अफसरों, जिन्होंने पूरा का पूरा नेगोशिएशन किया, जब प्राइम मिनिस्टर ने बाईपास सर्जरी की, जो आपने माना अपने भाषण में, आपने माना कि हमने 36 हवाई जहाज खरीदने का नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, तो मैंने उनसे पूछा था जब ये बाईपास सर्जरी हुई क्या एयरफोर्स के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया हाँ या ना? और आपने देखा इस सवाल का जवाब देने के बजाय रक्षा मंत्री ने पूरा मतलब वहां ड्रामा शुरू कर, मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे को झूठा बोला गया, और ये देखिए देश के युवाओं आपको घुमराने का काम है। सीधा सवाल है और उस जवाब का हाँ या ना देकर देके बिना भाग गए। प्रधानमंत्री अंदर नहीं आ सकते हैं और गोवा में रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, कह रहे हैं भैया मेरे पास फाइल है, मैं प्रधानमंत्री को सीधा कर दूंगा। ये रियलिटी है, 2.5 घंटे का भाषण दिया है, ना कोई जवाब दिया। और जो क्रक्स था कि एयरफोर्स के नेगोशिएटर्स ने जो 8 साल काम किया, जिस कॉन्ट्रैक्ट को नरेंद्र मोदी ने झट से 2 मिनट में बदला, क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन किया हां या ना? और मैंने ये नहीं बोला कि लंबा भाषण दो, मैंने बोला बस ये बोल दो हां या ना, भाग गई। आपने देखा चुनावी साल 2019 शुरू हो चुका है, कांग्रेस ने राफेल का मुद्दा जोर से पकड़ लिया है, सरकार जवाब तो दे रही है लेकिन मुद्दा ठंडा होने की बजाय और गर्माता जा रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राफेल का ये मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या गुल खिलाता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब